नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, गर्मी आते ही मच्छरों का आतंक बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में मच्छर हो, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो या फिर सो रहे हो, तो मच्छर आपके कार्य में बाधा डाल देते हैं, आपके कार्य को रोक देते हैं, जिससे परेशान होकर हैरान होकर आप मार्केट में मिल रहे तरह तरह के क्वायल, लिक्विड या फिर मॉस्किटो किलर का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे आप पर या फिर आपके बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे आगे चलकर आपको तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपने घर से मच्छर को बहुत तेज़ी से भगा सकते हैं, अपने घर से मच्छर को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आप पे या फिर आपके बच्चों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतर नुस्खे को। उससे पहले आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बाजू में बने बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो की जानकारियाँ आप सभी को मिल जाया करेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतर नुस्खे को। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें सबसे पहले लेना होगा वह फ्रेंड्स एक मिट्टी का दिया। आप यहाँ पर कोई भी मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर ले लीजिए एक मिट्टी का दिया। और फ्रेंड्स, उसके बाद से आपको इसमें जरूरत पड़ेगी वो फ्रेंड्स सरसों का तेल, या फिर आप इसमें नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, नीम का तेल मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घरों में सरसों का तेल है, तो आप यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप लगभग इतनी मात्रा में सरसों का तेल लें। और फ्रेंड्स, इसके बाद से आपको इसमें जरूरत पड़ेगी वो फ्रेंड्स लौंग की। दोस्तों, लौंग में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि मच्छरों को थोड़ा सा ये बर्दाश्त नहीं होता है, और इसके सुगंध से आपके घर से मच्छर बहुत तेज़ से बाहर निकल जाते हैं, आपके घर से मच्छर भाग जाते हैं। तो आप क्या करें, ले लें इसमें 2 से 4 लौंग को। और फ्रेंड्स, उसके बाद से आपको लेना होगा कपूर। दोस्तों, आप यहाँ पे 2 से 3 कपूर को ले लें और इसमें अच्छे से तोड़ लें। दोस्तों, ये वही कपूर है जो कि आप अक्सर पूजा घरों में इस्तेमाल करते हो आरती करते समय। तो आप यहाँ पर 2 कपूर को तोड़ लें और इसमें अच्छे से डाल लें। और उसके बाद से आपको जरूरत पड़ेगी वो फ्रेंड्स डिटॉल की। दोस्तों, डिटॉल में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि आपके घर से मच्छर को बहुत तेज़ से बाहर निकलता है, और आपके घर से मच्छर को बहुत आसानी से दूर कर देता है। तो आप क्या करें, ले लें इसमें लगभग 1 चम्मच की मात्रा में डिटॉल को। दोस्तों, इसमें लगभग 1 चम्मच की मात्रा में डिटॉल है, तो आप यहाँ पर पूरा इसमें डाल लें। और इसके बाद से आपको क्या करना होगा, लेना होगा एक बत्ती। दोस्तों, आपको यहाँ पे इस तरह से एक बत्ती लेना होगा और इसमें इस तरह से डुबा लेना होगा। दोस्तों, आप चाहें तो इसको रिफिल में भर करके और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें बत्ती को डिप कर लीजिए, और डिप करने के बाद आप इसे जला लीजिए। और जब आप इसे जला लेंगे, तो जला लेने के बाद आप क्या कीजिए, और इसे जला करके अपने घर के चारों हिस्सों में घुमा दीजिए, जिससे कि आपके घर में कहीं मच्छर छुपे हों या फिर घूम रहे हों, तो आसानी से आपके घर से बाहर निकल जाए। दोस्तों, जब इसका धुआं आपके घर के मच्छरों पर पड़ेगा, तो बहुत तेज़ से भाग जाएंगे, आपके घर से निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस नुस्खे को लगातार 4 से 5 दिनों तक इस्तेमाल कीजिए। 4 से 5 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपके घर से मच्छर भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए और अपने घर से मच्छर को भगाइए। तो हमारी जानकारी यहीं तक।